नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से, जहां एक और जो है हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक एक्टिवा सवार 36 इयर्स के एक व्यक्ति को जो है एक बाइक, तेज रफ्तार बाइक द्वारा टक्कर मारी जाती है, जिसके बाद वो वहीं पर जो है गिर जाते हैं। उसके बाद अस्पताल में लेकर आया जाता है, इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है उसी पर बातचीत करने के लिए उनके जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, परिजन हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम था जिनकी डेथ हुई है, कैसे हुआ ये हादसा? उनका नाम चंद्र साय था, वो नीलोगढ़ी में 20-25 साल से लगभग रह रहा है यहाँ पे। तो रात को ये बैठे थे, 7:30 बजे की बात होगी, दो फ्रेंड थे, इसके साथ एक और फ्रेंड था, तो दोनों जने ये बाइक उठानी थी, कमालपुर डेरा पड़ता पास ही 7-8 किलोमीटर, वहाँ पे स्कूटी उठाने गए थे दो जने। वो ये तो अपनी बाइक पे आ रहा था, पीछे स्कूटी वाला भी इसका फ्रेंड इसके पीछे पीछे था। जैसे नीलोगढ़ी वाला पुल चढ़ने लगा था, स्पीड ब्रेकर भी था, ये जब बता रहे हैं काफ़ी स्लो था, लेकिन ऊपर से दो लड़के जो आए हैं गांव बड़थल से, जैसे जानकारी मिली है, बड़थल वाले दो लड़कों ने काफ़ी बाइक तेज़ थी उनकी, उन्होंने इसको टक्कर लगाई मारी है, और टक्कर लगते ही ये गिर गया। गिरने के बाद इसको होश नहीं आई, वो सांस इसकी बता रहे, तो जो फ्रेंड था वो बता रहा था इस टाइम सांस चल रही थी। फिर इसको सरदार जी एक आए, उन्होंने हेल्प की, इनको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए। तो आपके क्या घर पर रेंट पर रहते? हाँ जी, मेरे पे ये सारे 20-25 साल से, ये एक ही गांव के बिहार से, मधुबनी जिला है पड़ता है, ये सारे मेरे पास रहते हैं, वहाँ पे 20-25 साल से रह रहे हैं। ये मधुबनी जिला है, बिहार के हैं वैसे। फैमिली में जो चंदन थे वो बांका जिला के हैं। फैमिली में कौन कौन है उनकी? उनके माता पिता हैं और दो तीन, हाँ तीन छोटे छोटे बच्चे हैं बिहार में। काम क्या करते थे यहाँ पे? ये पीओपी करते हैं। हाँ जी, नीलोखेड़ी में। आप देख सकते हैं, एक बार फोटो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जो है चंदन की फोटो है, जिनकी एज जो है 36 इयर्स बताई जा रही है। बिहार के थे वैसे, यहाँ पर नीलोखेड़ी में जो है पीओपी का काम किया करते थे। रात को जो है एक्टिवा उठाने गए थे कहीं से, जिसके बाद रास्ते में आते हुए जो है एक तेज रफ्तार बाइक द्वारा, जिसपे दो लड़के बड़थल के बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा हिट किया जाता है और काफी ज्यादा चोटें आती हैं, जिसके बाद इन्हें अस्पताल लेकर आया गया और इलाज के दौरान जो है इनकी मौत हो गई। तो उन्हीं के साथ काम करने वाले कुछ और लोग भी हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप उन्हीं के साथ काम करते थे? जी, हम अलग में काम करते हैं, मैं मार्बल टाइल्स का काम करता हूँ, वो पीओपी का काम करते थे। एक साथ रहते थे? रहते एक ही साथ, हम लोग लगभग 25-30 बंदे हैं, हम लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही मकान में रहते ये हैं। मैरिड थे? ये मैरिड थे, इनके जो है माँ बाप भी हैं, तीन बच्चे हैं, दो गुड़िया एक लड़का है, और इनके जो है इन्हीं के बदौलत सारा घर का खर्चा पानी सारा कुछ चलता था। तो कहाँ रहती है पूरी फैमिली इनकी? पूरी फैमिली इनकी बिहार में रहती है, ये अकेले यहाँ पे रहता था, इसके साथ में एक भाई था, वो भी भाई जो है कल अम्बाले के लिए घर के लिए रवाना हुए, अम्बाला गए तो रास्ते में पता लगा जो कि इनको ट्रेन नहीं पकड़ा था, उस टाइम फ़ोन किया इनको, भाई ऐसे ऐसे करके हादसा हो गया, 11 बजे ट्रेन थी, तो वो वहाँ से वापस आया। कहाँ है भाई फिलहाल? इधर ही है कहीं। तो फैमिली को और घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया आ रहे हैं? बाकी सबके जो है कोई नहीं आ रहे हैं, यहीं से अपना जो भी डेड बॉडी लेकर के वहाँ घर पे पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी घर पे जो है इनको लेकर के जाएंगे जो भी बॉडी सोडी होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामविलास है जी। तो आप देख सकते हैं जितने भी लोग उनके साथ रहा करते थे वो यहाँ पर फिलहाल पहुँचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी दो गुड़िया और एक लड़का भी है, तीन बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वाइफ है जो कि बिहार में रहती है, भाई जो कल जा रहे थे अम्बाला तक पहुँचे थे, लेकिन ये खबर सुनने के बाद जो है घर वापस से करनाल आ गए। फिलहाल बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है, पोस्टमार्टम करा कर बॉडी को जो है संस्कार के लिए बिहार ही लेकर जाया जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में RIP लिखना, ओम शांति लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, Facebook पर फॉलो लाइक जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से, सहयोगी राहुल के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा करनाल।